रात को 12 बजे भी आप लोग कॉल करिए, हमारा फोन अटेंड होगा और आपसे हमारा बात होगा। अगर आपको ब्रेक चाहिए आप एडमे में बैठ करके मुझे कॉल करके फोन करिए, 5 मिनट के अंदर में आपका बेड का बगल में ब्लड हम पहुंचाएगा। ये मेरा चैलेंज है और मेरा वादा है। 9933 हमारा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। जो हमसे करीब है, जिसके पास नंबर है वो मत करिए, जिसके पास नंबर नहीं है वो अपने सेल उठाइए और नंबर नोट करिए। और ये कुलदीप को फोन करता मत सोचिए, ये विशाल को फोन करता मत सोचिए, ये अजय बरेगी को फोन करता मत सोचिए, ये अजीज को फोन करता है। और अजीज आपका काम कैसा करता आपको विश्वास होने के लिए आप लोग चेक करके देखिए। 9933294241 9933294241 और एक BSL नंबर है। मेरा जो मैडम बैठा हुआ है मुझसे अच्छा बातचीत है, मुझसे अच्छा संपर्क भी है और मैं चाहूंगा कि एक दो दिन के अंदर में मैं DHS मैडम से मिलूंगा और ये लिटिल अंडमान का मेडिकल का जो भी समस्या है मैं मिल करके आप लोगों को मैं फोटो शेयर करूंगा और क्या बात हुआ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज लिटिल अंडमान के अंदर में इतना सारा समस्या सुनने के बाद ऐसा लग रहा है हम लोग 1947 के जिंदगी जी रहा है। मैं आपको बता दूं, आज जो बच्चे जो DRM को लेकर के, एमआर को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, हर मुद्दा को लेकर के जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं मैं उसका नेतृत्व कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, आने वाला ये 15-20 तारीख के अंदर में हम लोगों के अंदर जो है एक अच्छा परिणाम हम लोगों को मिलना है। अगर ओमगार के तरफ से अगर हम लोग ये महीने तक वेट करेंगे, अगर ये महीना भी अगर ओमगार का RR में अगर सुधार नहीं हुआ और हम लोग जो है वैकेंसी नोटिस नहीं निकलेगा तो हम लोग जो है बहुत बड़ा एक आंदोलन करने के लिए तैयार होना चाहिए। और उसके लिए आप तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? जोर से बोलिए, सब तैयार है, जो जो तैयार है हाथ उठाइए, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से होने दो, चाहे एमगार डिपार्टमेंट से होने दो, चाहे जो भी डिपार्टमेंट से होने दो, हम लोग जो है एक आंदोलन, ऐसा एक आंदोलन जो है अंडमान निकोबार में इतिहास में लिखा जाएगा। आज मैं लिटिल अंडमान में आकर के मुझे ऐसा लगा, मैंने आज सवेरे बोर्ड में आया, जो बोर्ड में आया वो बोर्ड में हम लोगों ने सुना, आज BJP पार्टी के अंदर में, कांग्रेस पार्टी के अंदर में वापस में जो तालमेल चल रहा है, वापस में जो नेताओं का जो तालमेल चल रहा है, आपको मैं बता दूं ये ट्रेंड चल रहा है। इन लोगों का दिल में ये बात है कि कांग्रेस और BJP दोनों पार्टी कुछ भी कर लो जनता उन्हीं को वोट डालेगा। गलत बात है भाई। आज जून महीना में 11 तारीख को भैया इलेक्शन हुआ हमारे पंचायत के अंदर में प्रधान जी का, और वो प्रधान जी के इलेक्शन में हमारा वाइफ को खुद खड़ा किया हमने, मेरे वाइफ को 202 वोट से अंडमान निकोबार जनता पार्टी का वोट उच्च के निशान में हम लोग जिता के दिखाया। आज इन लोगों को एक विश्वास है कि आने वाला समय 2024 का इलेक्शन इन लोग जो सोच रहा है वो आने वाला है, इन लोग जो सोच रहे हैं उसको हम लोग रोकने के लिए हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर जनता के हित के लिए हम लोगों को काम करना होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग सोचिए मत, आगे पीछे कुछ सोचने का नहीं है। आज अकाली इलेक्शन के समय में इन लोग आते हैं आप लोगों को एक दारू और बिरयानी में खरीदने का काम करते हैं। इस बार जो इलेक्शन हुआ जो BJP और कांग्रेस का, इसमें कितना पैसा बटा, कैसा बटा, कितना दारू बटा, ये सारा रिपोर्ट श्रेणी के पास है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किसी को रिपोर्ट नहीं देगा ताकि हम लोगों को यह समझने की जरूरत है। आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी BJP पार्टी हमारा बृंदावन पंचायत के अंदर जो जितना पैसा 15-20 लाख रुपया एक नेशनल पार्टी डाला, लेकिन हम अपना वाइफ को खड़ा किया, मेरा वाइफ को खड़ा करके सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपये में हम इलेक्शन लड़ा और 202 वोट से मेरा वाइफ को मैं इलेक्शन जिताया। आज इन लोगों का दिल में बैठा है कि कोई भी कुछ भी कर ले अंडमान निकोबार में कोई दूसरा पार्टी आने वाला नहीं है, ये चीज को हम लोग चेंज करके दिखाएंगे। आने वाला 3 दिन पहले
पहले, जो गया तीन दिन पहले, 12 टाइम में हमारा मीटिंग हुआ, 12 टाइम में भी इतने लोग जमा हुआ कोई हिसाब नहीं है। हर जगह जगह में चाहता है कि कुछ बदलाव अंडमान में होना चाहिए, ताकि हमारा जो एकमात्र सांसद कुलदीप राय शर्मा जी को ले लो, वो जो है अभी बनने के बाद अटवे में कई 4.5 साल के बाद आकर के अभी एक जिम्मा है कम्युनिटी का पैसा दिया, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो दिया है। और मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आने वाला जो भी दिन होगा आप लोगों के साथ अंडमान निकोबार जनता पार्टी, मैं वीके अब्दुल अजीज वर्किंग प्रेसिडेंट आप लोगों का साथ हर वक्त खड़ा होगा। मैं आपको बता दूं आज हमारा नंबर सबको नोट कर लीजिए, चाहे वो हमसे करीबी हो चाहे हमसे दूरी हो, जो भी मेरा आवाज सुन रहा हो मेरा नंबर नोट करिए। लिटिल अंडमान से अगर आप लोग एक फोन करके, मेडिकल में आपका कोई एडमिट है, आप बोलिए अजीज भाई हमको ब्लड की जरूरत है, अजीज भाई मेरा किसी का डेथ हो गया, डेड बॉडी को एडमिट पहुंचाना है, अजीज भाई करके दिखाता नहीं दिखाता वो आप लोग देखिए। मेरा नंबर आप लोग नोट करिए, रात को 12 बजे भी आप लोग कॉल करिए, हमारा फोन अटेंड होगा और आपसे हमारा बात होगा। अगर आपको ब्लड चाहिए आप एडमिट में बैठ करके मुझे कोर्ट पर फोन करिए, 5 मिनट के अंदर में आपका बेड का बगल में ब्लड हम पहुंचाएगा, ये मेरा चैलेंज है और मेरा वादा है। 9933 हमारा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, जो हमसे करीब है जिसके पास नंबर है वो मत करिए, जिसके पास नंबर नहीं है वो अपना सैल्यूट आइए और नंबर नोट करिए। और ये कुलदीप को फोन करता मत सोचिए, ये विशाल को फोन करता मत सोचिए, ये अजय बारेगी को फोन करता मत सोचिए, ये अजीज को फोन करता है। और अजीज आपका काम कैसा करता है आपको विश्वास होने के लिए आप लोग चेक करके देखिए, 9933294241 9933294241 और एक यूएसएल नंबर है 9474222775 9474222775। मैं ऐसे ही मन से आप लोगों को चैलेंज करता हूं, बीजेपी का नेता लोग, कांग्रेस का नेता लोग, अगर ऐसा मन से अपना मोबाइल नंबर दिया तो बताइए, आज तक इतिहास में नहीं होगा कि कोई भी अपना मन से अपना मोबाइल नंबर अपना तमू से देगा। मैं आपको नंबर इसलिए दे रहा हूं, मुझे विश्वास है कि मैं जो काम बोलता है वो काम मेरा होता है और करके दिखाते हैं। और आज मैं कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद अंडमान निकोबार जनता पार्टी का टिकट लेकर के मेरे वाइफ को प्रधान बनाया, तभी मैं इनके साथ गद्दारी नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस पार्टी को अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में जिंदा करना चाहता हूँ, ताकि अंडमान निकोबार का जो पब्लिक है उसका भला हो, चाहे वो कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हो, एक बार मुझसे टच होके देखिए उनका काम होता है या नहीं होता। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इस मन से मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग अंडमान निकोबार जनता पार्टी से जुड़िए, ताकि आप लोग का काम सपन दादा नहीं किया, रामबाबू नहीं किया, अजीज भाई नहीं किया, अजीज भाई करके दिखाएगा, जो हम लोग सब मिल करके एक पार्टी का एक मंच में हम लोग यहाँ पर खड़ा है। आज बड़ा खुशी का दिन है कि लिटिल अंडमान में एक क्षेत्रीय पार्टी, अंडमान निकोबार का क्षेत्रीय पार्टी है जो अंडमान निकोबार जनता पार्टी, उसका जो है आज यहाँ पर एक मीटिंग में इतने लोग जमा होना एक सौभाग्य है और हमारे लिए खुशी का बात है कि आज मैंने पहला मीटिंग किया यहाँ पे और इतना भीड़ मुझे मिला। और मैं आप लोगों को जो जो मेरे बात को सुनने के लिए आए उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी मैं आपको बता दूं कि मेरा जो नंबर दिया हुआ है आप बेफिक्र, कभी भी मेडिकल केस हो या आपको वोट का टिकट नहीं मिला पोर्टल में या आपको आगे रहने के लिए जगह नहीं है, तभी भी आप लोग कॉल करिए, ये वीके अब्दुल अजीज आप लोगों के साथ रहेगा, आगे भी रहेगा। इतने ही बात कहकर मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ, जय हिंद। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे अंडमान निकोबार जनता पार्टी का स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट और जिला परिषद मेंबर को, धन्यवाद सर। अभी आपके सामने दो बात रखने के लिए आ रहे हैं हमारे अंडमान निकोबार जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट तथा बम्बलीगंज का प्रधान भी है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आपके सामने दो बात रखे। नमस्कार, सपन विश्वास मंच पर उपस्थित
अंडमान निकोबार जनता पार्टी के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट श्री अब्दुल अजीज जी, साथ ही हमारे अड्डे के इंचार्ज, साथ ही साथ अंडमान निकोबार जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी श्री सपन विश्वास जी, इसी तरह हमारे तमाम जितने भी यहाँ पे अड्डे में आज अड्डे बाजार से लेकर 28 नंबर के जो भी हमारे इस लिटिल अंडमान के आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज अंडमान निकोबार जनता पार्टी की ओर से फिर से एक जनसभा आपके बीच में रखा गया है। करीब करीब 5 से 6 साल हो चुका है हमें यहाँ पे आके, क्योंकि इससे पहले हम कंटिन्यू आते थे, कई सारी समस्या का समाधान दिलाते थे, लेकिन ड्यू टू कोविड के चलते एक गैप हुआ और इस गैप में जो है सपन विश्वास जितना भी यहाँ का इश्यूज हमें पोर्टब्लर में देता था, तो हम जो है अपनी टीम के साथ आपकी समस्या का समाधान दिलाते थे। और आज हम देखते हैं इतना सारा हमारे द्वीपों में इशू है, लेकिन आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। एक मामूली से का ग्राम पंचायत चुनाव, काउंसिल चुनाव 2 साल के लिए स्थगित था पूरे अंडमान निकोबार में, लेकिन कोई भी दल इसमें आवाज नहीं उठाया। इसमें सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार जनता पार्टी ने आवाज उठाया और एक बिगुल बजाया और जो है प्रधान का सीट में ग्राम पंचायत रंबेलीगंज से पूरा एक टीम प्रधान के साथ हमने जीता। उसी तरह कई एरिया में हमारे लोगों ने काम किया और आज जैसे कि हमारे अजीज भाई ने कहा, जो सिंसियरली काम करते हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिलता है, लेकिन हमारा जो टीम वर्क हम काम करते हुए देखते हुए उन्होंने अपना जो बाई इलेक्शन में उन्होंने अपना मिसेस को उतारा और अंडमान निकोबार जनता पार्टी का टिकट में चुनाव लड़ा और पूरे अंडमान निकोबार के जो 70 पंचायतों में 2 पंचायत, दूसरा जो है ग्राम पंचायत वृंदावन है। उसी तरह आज हमारे बीच काफी सारे DRMs विभिन्न विभाग के बैठे हैं, चाहे वो होमगार्ड के हो, चाहे वो PWD के हो, चाहे वो हमारे APWD के हो, चाहे वो RD से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का हो। आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत एक गंदा कॉन्सेप्ट चलता है, जो भी हो उस सभी को जो है जो आउटसोर्सिंग का सिस्टम से हमारे यहाँ का DRMs को खत्म किया जा रहा है। आज कुछ लोग जो DRM में काफी लंबे समय से काम करते थे, करीब करीब रिटायरमेंट होने का टाइम हो गया, हम लोगों ने काफी मेहनत किया उस पर, काफी लोगों ने मेहनत किया, अब जाके उनको कुछ लोगों को जो है वांटेड हुआ, लेकिन आज भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स के लोग जो है आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। और वी के अब्दुल अजीज जी ने उनका नेतृत्व किया, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे तिरंगा पार्क हो, चाहे रंगत हो, चाहे डिगलीपुर हो, चाहे कोई भी एरिया हो, लिटिल अंडमान में भी उन्होंने आया था और उन्होंने इन सारे DRMs के लिए काम किया और कुछ लोगों का काम बना और जिनका नहीं बना उनका जो है काम जब तक नहीं बनेगा अजीज भाई की नेतृत्व में ये लड़ाई जब तक आपको हासिल नहीं होगा, आपका मुकाम तब तक लड़ते रहेंगे, मैं इस मन से जरूर कहना चाहूंगा। उसी तरह आज हम देखते हैं, आज अंडमान निकोबार में सिस्टम नहीं है, जैसा अदर स्टेट्स में असेंबली होते हैं तो चीफ मिनिस्टर होता है, उसके अंदर में पूरा IAS लॉबी होता है जिसके चलते जो भी काम जो है सही तरीके से लोगों का होता है, लेकिन हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जमाने में प्रदेश काउंसिल हुआ करता था, आप सभी को पता होगा प्रदेश काउंसिलर का क्या पावर होता है, इक्वल टू असेंबली के बराबर था। उन लोगों का इतिहास उठा के देखे तब जो है हमारे अंडमान निकोबार में भी IAS उनके अंदर में काम करते थे और जो है हर एक जो इश्यूज है उसका जो है समाधान होता था, लेकिन आज जब से 3 टायर आया वो 3 टायर आने के बाद से कहीं ना कहीं IAS का लॉबी जो है हावी हो गया और हमारे यहाँ का लोगों का काम जो है धीरे धीरे स्तर जो है नीचे गिरते गया, बेरोजगारी बढ़ते गया। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इसका अगर मेन जिम्मेदार देखेंगे तो एक कांग्रेस पार्टी और BJP पार्टी है, तो एक दल को हम इसका श्रेय नहीं देंगे, ये श्रेय जो है दोनों पार्टी को जाता है, क्योंकि दोनों पार्टी को मौका मिला लेकिन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया, क्योंकि जैसे अजीज भाई ने कहा, सपन विश्वास ने कहा, इलेक्शन आता है उनके पास काफी फंड्स है तो जो है बिरयानी और दारू देख के जो है लोगों को गुमराह करता है, लेकिन आज 2022 चल रहा है, 2023 चल रहा है, आने वाला 2024 को चुनाव है,
और अंडमान निकोबार की जनता में जो है अवेयरनेस आ चुका है। आज सोशल मीडिया हर एक चीज को जो है हमारे युवाओं के हाथ में है और सही गलत का फैसला लेने में सक्षम है। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जो काम कर रहे हैं वैसे लोगों को मौका देने में आपका सहयोग मिलना चाहिए। उसी तरह आज हम देखते हैं आली में ही फॉरेस्ट का इंटरव्यू हुआ था हमारा मंडलीगंज जोन में ही, लेकिन बड़ा गलत लगता है जब एक फाइनल लिस्ट निकलता है उसका फिर अगला दिन देखते हैं वो लिस्ट में जो है क्लरिकल एरर बोल के जो है उसमें फिर से एक लिस्ट बनता है। तो इसमें क्या होता है, ये यूथ्स के बीच में जो है एक लड़ाई का माहौल बनाता है, क्योंकि जिसको मिल गया वो जो है बेचारा जहाँ काम करता था छोड़ दिया, अपना फेरेंस जो है मिठाई बांटना ये सब शुरू हो गया, लेकिन अगला दिन देखता है लिस्ट चेंज होता है तो जिसको मिला वो खुश, जिसको नहीं मिला वो नाखुश। आपस में जो है हमारा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का गलत नीति के वजह से जो है आज फिर से जो है ये प्रॉब्लम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2007 में भी हुआ था, तब भी इसी तरह गलत नीति के चलते एक लड़ाई लड़ाई गया, तब जाके उस टाइम में 2007 में जो है लंबी लड़ाई एक दो तीन साल चलने के बाद में कहीं ना कहीं अपने ही लोग उसमें मिला बोल के उसको हमने ड्रॉप कर दिया था। लेकिन फिर से 2023 में सेम चीज रिपीट हुआ और आज जो है कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार का ये जो भाईचारा बिगड़ने में, ये जो वेम्बलीगंज जोन में जो फॉरेस्ट का मजदूर का इंटरव्यू हुआ, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान हो गया हमारे यहाँ के यूथ के बीच में, ये आप सभी को पता है। उसी तरह आज हम देखते हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अपना मन में जिस से क्राइटेरिया बनाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, जब दिल लगा 5 किलोमीटर दे दिया, जब दिल लगा 10 किलोमीटर दे दिया, जब दिल लगा 25 किलोमीटर दे दिया। अरे भाई आज का जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हमने आप खाने का जो आइटम से कितना मिलावटी है वेजिटेबल्स में आपको सभी को पता है, लेकिन आज कम से कम वो जो पहले का क्राइटेरिया 5 किलोमीटर का रखता था उसको रखने से भी शायद ये जो रंगत में जो घटना घटा वो आज नहीं घटा होता। आज रंगत में देखिए 5 किलोमीटर को सीधा लेके जाके 10 किलोमीटर कर दिया, लेकिन कोई ना कांग्रेस आवाज उठाया, ना भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाया, ना एकमात्र सांसद आवाज उठाया। आज इस गलत एडमिनिस्ट्रेशन के रूल के चलते हमारा एक युवक जो है डेथ हो गया, वो भी हमारा वेम्बलीगंज जोन आरसीडी कॉलोनी में था, एक अच्छा कैसा पढ़ा लिखा लड़का, बीटेक किया हुआ लड़का, एक मजदूर का नौकरी के लिए भी अप्लाई करते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट उतना जरूरत है हर एक के लिए। तो हम देखते हैं इस एम्प्लॉयमेंट के चलते करीब करीब 133 पोस्ट आई थिंक, उसके लिए कम से कम 15,000 से 16,000 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट के लिए एप्लीकेशन दिया, और जो है आए दिन सुनने को मिलते हैं जब से रंगत में इंटरव्यू हुआ वहां पे बच्चे गिरते हैं, मेडिकल जाते हैं, रेफर होता है और इस तरह हादसा होता है। कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ये रिवॉक करना चाहिए, ये जितना भी आगे में जो भी इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया रखेगा जो पहले चलता था उसी को फॉलो करना चाहिए, ना कि यहाँ के अंडमान निकोबार का कांग्रेस और बीजेपी का चुप्पी का वजह से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का मनमर्जी चलते है, हमारा यूथ जो है उसमें मारा जाता है, ये दोबारा नहीं होना। इसके लिए आज अंडमान निकोबार जनता पार्टी इसी लिटिल अंडमान हडवे के यहाँ से आगाज करती है, आने वाले दिनों में फ्यूचर में कभी भी ऐसा घटना नहीं घटेगा। आपको लगता है कभी भी कोई चीज के लिए गलत होता है तो अंडमान निकोबार जनता पार्टी आपके लिए खड़ा रहेगी और आपका हक दिला के रहेगी। हमने काफी सारा इश्यूज को टेकअप किया है, सोल्यूशन भी दिलाया है, ये कोई बड़ा ये नहीं था, लेकिन ये इतना शॉर्ट टाइम में ये रिक्वायरमेंट हुआ कि क्राइटेरिया को समझते फॉर्म फिलअप हो गया था, लेकिन आज जब ये घटना घटी ये घटने का जिम्मेदार सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी एकमात्र सांसद है और पूरा हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ सेक्रेटरी पूरा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है जो इतना बड़ा गलत डिसीजन। आप अगर लेवल रोड अगर रंगत में है तो लिटिल अंडमान में तो लेवल रोड है तो क्या आदमी से क्या 5 के जगह 25 किलोमीटर दौड़ेगा, तो ये क्राइटेरिया का तरीका नहीं है ना। बस्ता उठाने का मैं भी ऐसी था 50 मीटर था उसका 100 मीटर कर दिया, तो ये लास्ट में रिजल्ट क्या होता है, इतना सारा हार्ड वर्क कराने के बाद में भी लिस्ट बनने के बाद लिस्ट में घोटाला। अरे सही सही से जब वीडियोग्राफी करते सब करते तो फ्री एंड फेयर करके करेक्ट लिस्ट दे देना स्पोर्ट में, आप लिस्ट के नाम पे फ्री एंड फेयर के नाम पे लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं आप जो रंगत में जो इंटरव्यू में राजा राव आई थिंक जिनका जो देहांत हुआ
एडमिनिस्ट्रेशन से गलत नीति के चलते जो सीआईडी सुन रहा है वो सही रिपोर्ट पढ़ाइए और उनका जो घर में जैसा अदर स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है वो जो है एक्सप्रेशन देते हैं, उनको जो है बेनिफिट देते हैं उनका परिवार को। तो हमारा अंडमान निकोबार जनता पार्टी भी मांग करती है कि उनका घर से उनका फैमिली मेंबर से एक जन को जो है रोजगार देना चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, भाई बताइए। इसी तरह समय की मांग को देखते हुए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अंडमान निकोबार जनता पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जैसे पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रीय दल का वर्चस्व आप जहां भी पॉलिटिकल सिनेरियो उठा के देखिए हर एक स्टेट जहां पे, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बीजू जनता दल जिसका जो मुख्यमंत्री आज करीब करीब 25 साल से है, क्यों है, काम करता है, लोग साथ देते हैं। और अंडमान निकोबार जनता पार्टी काम कर रही है, आपको लगता है कि कोई और भी दल काम करता तो दीजिए, हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपका जो मानसिकता में जो घुसा के रखे हुए हाथ का निशान फूल का निशान, इसको हटाइए दिमाग से, क्योंकि हाथ और फूल ही अंडमान निकोबार को बर्बाद किया है। अंडमान निकोबार चलता है बनने से जस्ट एक चल रहा है, ये हम और आपकी मेहनत से चल रहे हैं, ना कि ये दो दल की मेहनत से चल, ये दो दल की वजह से दिन का दिन हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप स्तर कम हुआ है, क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान में आप उठा के देखिए हर जगह डेमोक्रेटिक सेटअप से चलता है, लेकिन यहाँ पे 1943 में हमारा 30 दिसंबर को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी स्टेडियम में जो झंडा फहराया, लेकिन आज तक IAS की गुलामी झेल रहा है, ये IAS से गुलाम से निकल रहा है, आपके लोगों का जो वोट पावर होते हैं उनके थ्रू से चुना हुआ के थ्रू से जो है कोई भी रूल रेगुलेशन बनना है, ऐसा एक माहौल बनना है। जब तीन टायर में समिति रिवॉक हो सकता है तो प्रदेश काउंसिल भी रिवॉक हो सकते हैं, नहीं तो प्रदेश काउंसिल क्यों हटा, अगर वो असेंबली बनने के लिए आता है तो उसको जैसा दिल्ली में पौडीचेरी में होता है वैसा चीज बनना है। और अंडमान निकोबार जनता पार्टी डेमोक्रेटिक सेटअप लाने के लिए अपना हर दम दिखाएगी और जो है जनता के हित के लिए काम करेगी। हम बहुत लंबे समय से काम करते हैं, आप सभी को पता है हमारे यहाँ पे हमें शॉर्ट टाइम पे नहीं तो हमारे जो ओएमजी टिकरी हो चाहे फिशरी टिकरी हो सारे लोग यहाँ पे रहते थे, आज कहीं ना कहीं सभी अगल बगल खड़े हो कि आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, कि आज फिशरीज डिपार्टमेंट का भी जब आया था सपन विश्वास को हमारे यहाँ का बंदा बताने के लिए, तो हमने देखा हाल ही में फिशरीज का भी हमारा वहाँ पे जो है जंगली गार्ड का एक बंदा का हाल ही में ही देहांत हुआ, कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें भी नाकामी है, उनको सही तरीके से लाइसेंस देने में देर करते हैं, सही तरीके से वोट देने में देरी करते हैं, उनको डंगी में इंश्योरेंस देने में देरी करते हैं, जिसके चलते जो है ये हादसा हो रहा है। अगर सही तरीके से उनको अगर सही तरीके से सामान दिया रहता तो आज ये नौबत नहीं आता। तो ऐसे काफी सारे इश्यूज है जो आने वाले दिनों में हम जब पोर्टलर जाएंगे यहाँ का जितना भी इश्यूज है हम सपन विश्वास हो चाहे आप में से कोई भी हो, आशीष भाई ने नंबर दिया है, आप कोई भी कॉल करें तो सिर्फ आशीष भाई करके नहीं अंडमान निकोबार जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है आपका काम करेगा, और जो है जो भी लिटिल अंडमान की समस्या हो चाहे आईलैंड के अंदर में कोई भी समस्या हो हम जो है तय दिल से काम करेंगे। समय की मांग को देखते हुए मैं जो अपने बातों में विराम लेने से पहले फिर से एक बार आपको कहना चाहूंगा कि अंडमान निकोबार जनता पार्टी एक विकल्प है, जब तक हमारी सांसों में सांस रहेगी हम लोग लड़ते रहेंगे और आपका हक मिलने तक का जो है हम चुप नहीं बैठेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय अंडमान।